नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बहू फोर्ट टेम्पल के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आज मंगलवार होने के कारण आज श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है, और इसी सिलसिले में यहाँ पर यह देखा गया है कि यहाँ पर जब श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है तो सफाई का बड़ा यहाँ पर कमी देखी गई है। यहाँ पर आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी निपटारण के लिए जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल हैं उसकी तरफ से कम ही यहाँ पर एक कोशिशें और प्रयत्न नज़र आते हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आइए हम यहाँ के कुछ लोकल से भी बात करते हैं और कुछ श्रद्धालुओं से भी, और जानते हैं इनसे यहाँ की स्थिति के बारे में। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजकुमार अरोड़ा। जी सर, मैं मेट्रो जोनिंग का प्रधान। यहाँ पर इतनी गंदगी है, और कम से कम भी हमने काफ़ी बार मीडिया और कई आदमियों को कंप्लेन की है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर मंदिर है, बाहर से भी लोग यात्रु कितने आते हैं, और लोकल लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालु आता है, लेकिन यहाँ पर सफाई का कोई भी साधन नहीं है। एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी बिजली की तारें टूटती है तो लोगों के घरों में आग लग जाती है, बर्तन तक गिर जाते हैं। कम से कम मैंने कोई 10-20 बार भी कंप्लेन भी की है, कोई ट्रांसफार्मर के आगे जाला ही लगा दो, ना जाला लगता है ना ट्रांसफार्मर उठाया जा। यहाँ देखिए आप ट्रांसफार्मर, इनकी बिजली की तारें जब टूटती हैं लोगों के घर के अंदर जाकर बिजली गिरती है। मुझे ये बताएं कि ये तो इनके लोकल इश्यूज तो हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे लोग इतने आते हैं, यहाँ पर खाते भी हैं, लेकिन आसपास देखा गया है कि सफाई की बड़ी परेशानी रहती है, गंदगी फैली रहती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्मार्ट सिटी बनाने की भी बातें करती है, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक ये बात सही है? यहाँ पर जो मतलब लगे हुए हैं स्वीपर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन वो काम करके राजी नहीं है। कोई मतलब अगर कोई बंदर भी मर जाए तो उनको बोलते हैं बंदर उठाना, तो बोलते हैं पहले 200 रुपया दो तो फिर बंदर उठाएंगे। ये तो उनका हाल है। यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद वो रोड के ऊपर थोड़ा झाड़ू मारते हैं। नालियों में उन्होंने देखना है नालियों में कितना गंद पड़ा हुआ है। जो यहाँ रेड़ियाँ लगती हैं उन्होंने फिर अपने लिए डस्टबिन वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो अपना जो गंद है वो डस्टबिन में ही डालते हैं। लेकिन जो नालियाँ हैं इतनी गंदी हैं, बारिश बाद में आती है, नाले पहले फुल होते हैं, इतना गंद डालते हैं लोग, लफाफे डाल देते हैं, हर चीज़ डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि जो लफाफे हैं वो डस्टबिन में डालें। यहाँ पर कोई डस्टबिन भी नहीं इन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। जो डस्टबिन आती है गवर्नमेंट अपने घर में ले जाती है। यहाँ देखिए आप बाबे में कोई भी डस्टबिन नहीं, दुकानदारों ने भी अपने खरीदे हुए हैं और जो रेड़ी वाले हैं उन्होंने भी अपने खरीदे हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी मतलब सुविधा नहीं है। लेकिन जब हम नीचे से आकर देख रहे थे, नीचे जितनी भी रोड के साथ साथ काफ़ी बुरी हालत है, लोगों ने जगह जगह पर जो है गंदगी के ढेर लगाए हुए हैं, लेकिन साथ में नाला भी बह रहा है, उसका कोई भी लगता है आपको अभी तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इसके ऊपर काम किया हो? सर, किया होता तो आप देख ही लेते, नाला साफ होता, नाला कितना गंदा है। यहाँ पे आके देखिए, मंदिर का रोड है, आज मंगलवार है, मंगलवार को यात्रु के बाहर से जम्मू से आगे पीछे से यहाँ पे यात्रु आते हैं, और आप इस नालों की हालत देखिए, गंदगी देखिए, इतनी है कि यहाँ से चलना तो दूर, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता आदमी। मुझे ये बताएं, जैसे अभी गवर्नमेंट जो है जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बातें करती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर उस लेवल को भी काम हुआ है? सर, अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है। आप, ये तो मेन रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ से मोहल्ले में आना जाना, ये रोड पूरा ऊपर मोहल्ले तक गया है। इसी रोड पे स्कूटर मोटरसाइकिल यहाँ से जाते हैं, स्कूल बच्चे स्कूल जाने के लिए जब यहाँ पे खड़े होते हैं, ये नाला पार करने में दिक्कत होती है हमको। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि सर प्लीज़, इस जो बावे का रोड है, मंदिर का रास्ता है, इसको बनाए। आप अभी माथा टेक के आए हैं? माता रानी के दरबार में हमने दर्शन किए हैं। सर, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर दिलीप सिंह राठौर है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैं आया हूँ। मैं मुझे ये बताएं कि ये काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जम्मू जो है एडमिनिस्ट्रेशन इससे जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाने की हर बार बात करती भी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि जो इतनी फेमस जो जगह है यहाँ पर कुछ इस तरीके का काम आपको नज़र आता है? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं आया। बैनर तो लगे हुए हैं सभी जगह पे स्मार्ट सिटी के, लेकिन काम कुछ अभी नज़र नहीं आया। मुझे सफाई के बारे में बताएं कि जब आप यहाँ से आए तो आपको रास्ते में सफाई का कैसा लगा नज़ारा, कि क्या सफाई थी या ऐसे गंदगी थी? और जैसे आसपास देखा गया यहाँ पर जब श्रद्धालु यहाँ खड़े होते हैं वहाँ भी गंदगी है? आपके नहीं, अभी तो इतना हमने देखा, कुछ ज़्यादा सफाई भी नहीं है, ज़्यादा गंद भी नहीं है, मीडियम है। लेकिन जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए फैसिलिटी इधर तो कुछ नहीं है, ऐसी बनाई नहीं इनकी तरफ से, फैसिलिटी कोई भी नहीं है। जैसे हम मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, इतनी बड़ी संस्था, उधर हर चीज़ की फैसिलिटी है,
रहने की है, खाने की है, पीने की है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हम इधर भी आ जाते हैं, इधर भी बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन इनकी तरफ से मुझे नहीं मालूम ये ट्रस्ट है या श्राइन बोर्ड के अंडर है, फैसिलिटी कुछ भी नहीं है इनकी तरफ से। मतलब अब श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके विश्राम के लिए जगह होनी चाहिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। अब लाइनों में लोग लगाए हुए हैं, जो धूप में लोग खड़े हुए हैं, अननेसेसरी लोगों को इन्होंने जाम करके रखा है चार चार घंटे से, खाली क्या रश बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जमावड़ा। अब दरबार खोल दो माता रानी के दर्शन करने के लिए, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें। हमें नहीं लगता ये जितने जिसके अंडर ये आपका ये ट्रस्ट है, ये मंदिर है, ये इतना पैसा जो आता है, हमें नहीं लगता ये कहाँ लगाते हैं, कहाँ रखते हैं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है इसके बारे में। तो आपको लगता है कि जब इतना श्रद्धालु खड़े रहेंगे तो जो ऑलरेडी अभी हम कोविड से पूरी तरह निकले नहीं हैं, हाँ, तो उसका खतरा दोबारा बन सकता है? नहीं, कोविड के लिए तो इंस्ट्रक्शन बार बार अंदर अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन अब गैदरिंग इतनी देख लीजिए अंदर कि इंसान के साथ इंसान बिल्कुल जुड़ा हुआ, टच हुआ एक दूसरे के साथ। अब वो तो इनका फ़र्ज़ बनता है, जो ये कमेटी होगी या ये ट्रस्ट के अंडर होगा, ये तो इनका फ़र्ज़ बनता है ना, लोगों को जो है अच्छे तरीके से गाइड करना, लोगों के लिए रख रखाव के लिए इनका वो फ़र्ज़ बनता है।